सो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जूसी टेक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा इंटरनेट खत्म होता है, वो भी कौन से ऐप, सिस्टम ऐप्स या फिर डिफॉल्ट ऐप जिन्हें आप लोग बोलते हो उनकी वजह से। जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो सिस्टम ऐप्स पर हम लोग जब जाते हैं ना, तो आप लोग देख पाओगे कि यहाँ का जो सिस्टम ऐप्स वाले जो काफ़ी सारे मेरे में ऐप्स दिखाई पड़ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो आप लोग ध्यान से देखो। यहाँ पर कुछ ऐप्स जैसे कि थीम्स हो गया हमारा, ठीक है, तो ये मेरा जो तो 36 MB नेट खा गया। उसके अलावा यहाँ पर गेट ऐप्स वगैरह 3 MB, मतलब इनका मैं यूज़ नहीं कर रहा भाई, तब भी ये मेरा ये जो है तो डेली नेट खाते रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनका मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तब भी ये मेरा डेटा खाते रहते हैं फालतू को। जैसे कि MI Pay वगैरह हो गया, भाई आप लोग UPI यूज़ करते हो, गूगल पे यूज़ करते हो, MI Pay कभी यूज़ करा है आपने? नहीं, लेकिन ये नेट खाते हैं भाई बैकग्राउंड में। तो इन सब की वजह से दोस्तों थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत ज़्यादा हमारा नेट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इसे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि इस वीडियो में कुछ ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा ना, जिसको यार इस्तेमाल करने के बाद डेफिनेटली आपका जो इंटरनेट है कम से कम उसकी जो मतलब यूजेज है कम से कम 50% तक घट जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली सेटिंग में जाके डेटा यूजेज सर्च करना है और यहाँ पर सिस्टम ऐप्स वाले जो ऑप्शन है उस पर आप लोगों को चले जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे जो थीम वाला ऑप्शन है जिसका आप लोग इस्तेमाल नहीं करते हो, तो आपको उसको क्लिक करना है। यहाँ पे मोबाइल डेटा सिम 1 2 की जो दो ऑप्शन है ना, इनको डिसेबल कर देना है, और हो सकेगा तो बैकग्राउंड डेटा को भी आप लोग डिसेबल कर दीजिए। इसी तरह दोस्तों जिन ऐप्स का इस्तेमाल मैं नहीं करता, जैसे कि गेट ऐप्स, इनको भी मैं दोस्तों इस तरह से इनका बैकग्राउंड डेटा और मोबाइल डेटा सब बंद कर दूंगा। दोस्तों आप लोग जानते हो आप लोग प्ले स्टोर का इस्तेमाल करते हो, तो यार ये जो है तो गेट ऐप्स वगैरह का क्या काम हमारे को बताओ। इसलिए दोस्तों आपको इस तरह सिंपली से कर देना है। इसके अलावा दोस्तों और कुछ वो ऐप्स ढूंढ लीजिए आप जिनको आप लोग रेगुलर लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि अपना MI Pay हो गया। आपको सिंपली से जो है तो क्या करना है, इसको टाइट प्रेस करना है, ठीक है। और टाइट प्रेस करने के बाद दोस्तों आप लोग अगर आप में डेटा यूजेज वाला ऑप्शन नहीं हो रहा है तो आप लोग इसको सिंपली से टाइट प्रेस करें, ठीक है। और टाइट प्रेस करने के बाद यहाँ पर नीचे जो ऐप इन्फो का ऑप्शन है ना, उस पर चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको नीचे आप देख सकते हो एक ऑप्शन है रेस्ट्रिक्ट डेटा यूजेज का, ठीक है। मैं यहाँ पर देखो मार्क कर देता हूँ, आपको सिंपली से उसको प्रेस करना है और इन तरह से दोनों को डिसेबल कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि ये जो ऐप है ना वो आपका बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं खाएगा और इसका जो है तो इंटरनेट यूजेस बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। इसी तरह आप और ऐप्स जिनका आप लोग रेगुलर इस्तेमाल नहीं करते या फिर कभी भी इस्तेमाल नहीं करते ना, या फिर उनको डिलीट नहीं कर सकते, तो आप लोग इसी तरह से उनको अगर ये ऑन होगा ना तो उसको आप लोग सिंपली से इस तरह से ऑफ करके ओके कर दो, ठीक है गाइस। तो देख सकते हो ऐसा कुछ कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों एक सेकंड देखिए आपको मैं और बताता हूँ, इसके अलावा आप लोग सिंपली डेटा यूजेज के ऑप्शन में चले जाओ, ठीक है, या फिर अगर आप में डायरेक्ट कोई सेटिंग आती है ना तो आप लोग उस पर चले जाओ या फिर सर्च कर सकते हो रेस्ट्रिक्ट डेटा यूजेस का, ठीक है। ये देख सकते हो कुछ इस तरह का ऐसे करके आएगा, आप लोग रेस्ट्रिक्ट डेटा यूजेस में चले जाओ। और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों ये जो क्रॉस के मार्क मैंने उन ऐप्स पे लगाए हैं जिन पे मैं अपना इंटरनेट नहीं यूज़ करना चाहता हूँ, मतलब ये जो मेरे ऐप्स है ना ये मेरा बिल्कुल भी इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं। इसी तरह आप लोग वो ऐप्स जिनको आप लोग बिल्कुल यूज़ नहीं करते, आप लोग इस तरह से सेलेक्ट करके ऐसे टिक करके इनको क्रॉस कर दो, भाई ये ऐप अब आपका बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं खाएंगे। आप इसी तरह से यहाँ पर बैकग्राउंड कनेक्शन वाले ऑप्शन पर जाके जो है तो सारे ऐप्स के जो है तो बैकग्राउंड डेटा को बंद कर दो। दोस्तों बैकग्राउंड डेटा बंद करने के बाद क्या होगा कि जब आप लोग उस ऐप का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बैकग्राउंड में इंटरनेट नहीं खाएगा और ऑटो अपडेट बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरह की जो है तो मैंने सेटिंग्स आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूँ आपके कुछ काम की आई हो, अगर काम किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।